और नीतीश बाबू से यही कमेंट है, आपका जमीर जिंदा है। यदि आप में थोड़ी भी इंसानियत बची है, मोदी को छोड़कर सबकी बात में आ जो थोड़ा सा काम 2017 के गुजरात की विधानसभा के चुनाव के वक्त अधूरा रह गया, हमारी वो तड़प को भी बिहार में पूरा करेंगे। पर नीतीश बाबू से यही कमेंट है, नीतीश जी को सिर्फ एक बात करके अपनी बात पूरी करना चाहता हूं, भाई हम तो गुजराती है फिर भी उनके साथ नहीं, आप तो क्या लालच है। यदि आपका जमीर जिंदा है, यदि आप में थोड़ी भी इंसानियत बची है, मोदी को छोड़कर सब्जी बात में आ और जितने भी साथी आज इस आंदोलन में शरीक हुए उन तमाम को मैं अपील करना चाहता हूं, पूरे भारत के अंदर यह अपील करने की बहुत जरूरत है कि सीए और एनआरसी के खिलाफ तो सड़क पर उतरे, बहुत खूब लाजवाब, इस जज्बे को सैल्यूट करते हैं, लेकिन इंकलाब तो उस दिन आएगा जिस दिन यही 50-60 लाख लोग जो सीए के खिलाफ सड़क पर उतरे हैं वो एक बैनर हाथ में लेकर उतरे और वो बैनर हो बेरोजगारी के खिलाफ, वो बैनर हो महंगाई के खिलाफ, वो बैनर हो हमारे रोटी कपड़ा और मकान के लिए। आज इस बात को समझना पड़ेगा कि जाति के नाम पे राजनीति इसलिए है कि हम लोग दलित और सवर्ण बनकर बैठे हैं, इंसान बन चुके होते तो जात पात का कोई राज नहीं होता। इसी तर्क पर कहते हैं कि हिंदू मुसलमान की राजनीति इसलिए है कि हिंदू मुसलमान बनकर हम भी आपस में लड़ते रहते हैं, हम तमाम लोग भी केवल भारतवासी बन जाए, केवल नागरिक बन जाए, केवल इंसान बन जाए, कोई मोदी रविंद्र की औकात नहीं कि हमारे संविधान की ओर उंगली दी उठे। आप तमाम बिहारवासियों को मैं सैल्यूट करता हूं, पटना की इस धरती को सलाम करता हूं, लालबाग और सब्जीबाग की बहनों को मैं वंदन करता हूं, उनको मेरा क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूं, क्योंकि वो आपका जज्बा है, वो आपका हौसला है जिसने पूरे भारतवर्ष को आज खड़ा करके दिखाया। यदि जामिया, जेएनयू और शाहीनबाग में बहने और छात्र नौजवान खड़े नहीं होते तो आज मोदी और अमित शाह के खिलाफ इतना बड़ा चैलेंज भी नहीं है। और हमको बहुत दिन से सता रहे हैं, कबीर साहब का एक पंक्ति कहकर एक लाइन कहकर अपनी बात को खत्म करूंगा कि माटी कहे तुम भाग से तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो है, इस दिन को याद करें। और आज भारत का छात्र नौजवान हिंदू मुसलमान सब लोग इतना तो समझ चुका है कि इस गोबर प्रसाद चौरसिया से पास झूठ के अलावा कुछ नहीं।